स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको रेगुलर रिचुअल्स यानी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना पड़ता है जहाँ पहले आप खुद को ढूंढे एज इन कि यू नो वॉट कीप्स मी हैप्पी वॉट कीप्स मी गोइंग यू ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड यू वो सारे आप यू नो अननेसेसरी रोड पे हॉंक ना करो ना वो भी स्पिरिचुअल ही है <laughs> आप किसी को परेशान ना करो दैट्स योर फर्स्ट स्टेप इन बींग स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होने के लिए कोई एक्स्ट्रॉडिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है मैं आज किसी को किसी के रास्ते की अड़चन नहीं बनूंगा दैट्स बिगेस्ट फर्स्ट स्टेप इन बींग स्पिरिचुअल तो पहले वो करो

I was very overweight and I lost weight. That's what got me into the field of fitness. Aisa koi plan nahi tha. I've done my bachelor in psychology, then I did marketing, MBA marketing from Nirma uh, full time. Same, I'm also from Nirma. Oh wow, high fight with that. <laughs> <laughs> so it just happened. Mujhe genuinely was And ek bhi ho sakte ke when, um, I was the only person who opted out of placement in my MBA. आपको तो पता ही होगा कि यू हैव है एवरी डे मेल आते रहते थे जब प्लेसमेंट का सीजन चल रहा था कि सपना व्यास एज ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट तो मुझे इतना धक्का लगता था कि गॉड oh अब मैं क्या एंड देन आई लॉस्ट वेट एंड दिस सो इट जस्ट केम टू मी आई थिंक इट वॉज माई कॉलिंग जब ये जर्नी रही आप एज अ कोच इसमें पहले तो आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे गए एंड देन यू डिसाइडेड यू गोइंग टू हेल्प अदर पीपल एज वेल सो इस जर्नी में क्या आप लेसेंस मिले या फिर क्या सेटबैक्स क्या परेशानियाँ आपने एक्सपीरियंस करी यू वर बिल्डिंग योर ब्रांड ऑनस्टली व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऐसा कोई ब्रांड बनाना है बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने में ऐसा कोई एम एम्बिशन कुछ नहीं था आई हैड सेट आउट टू हेल्प पीपल बिकॉज मैं जब वेट लॉस कर रही थी तो आई हैड सीन सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग अलॉन्ग विद मी ऐसे नहीं था कि मैं अकेली हूँ जिसको वेट लॉस करना था या जिसको चैलेंजिंग लग रहा था आए, तो आए, आए, वेट लॉस करना देर सो मैनी सर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स देर मदर्स पीपल अराउंड कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा एंड मैंने कुछ अच्छा किया तो फिर मैंने सोचा तो कि वाई नोट आई हेल्प अदर्स सो तो आई हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इवन फॉर फ्री इनिशियली

वो हील होने में टाइम लगता है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पीपल अराउंड आर नॉट सो अंडरस्टैंडिंग आर नॉट सो सपोर्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ हो इश्यू होना यानी सबको हो सकता है सबको होता ही है आई डोंट थिंक देर इज एनी बॉडी ऑन दिस प्लानट अर्थ वो इज़ नॉट गॉन थ्रू अ फेज़ ऑफ सैडनेस लोनलीनेस अ फेज वेर यू फील लाइक योर डिप्रेस देर इज़ देर पैनिक अटैक्स एंड एनजाइटी अटैक्स दैट्स सो कॉमन But unfortunately, we don't address them. And that's the biggest issue that I have seen. And that's what I do with my clients. Ki hum pehle heal karte mental health. Ko. Because I have gone through the same. I have the same struggles. Aaj ki, aisa nahi hai ki, okay, I just write that I'm a coach. So I I'm, uh, I'm, developed antibodies. I have not. I'm still as sensitive. I'm still as emotional. I have my emotional and mental health. Uh, वेर आई वुड रिक्वायर सम हीलिंग तो मैं उस जोन में ऑलरेडी हूँ तो देन देट्स वेर आई हेल्प माई क्लायंट्स टू बिकॉज वी ऑल सेल इन द सेम बोट सो फर्स्ट यू हैव टू अड्रेस योर मेंटल हेल्थ एंड देन ओनली यू कैन एक्चुअली लूज वेट और स्टे ऑन ट्रैक एंड इट्स ओके

where we absorb a lot of content but we don't have anybody to share our heart with so find people whom you can uh, you know confide in or whom with whom you can share your feelings your heart out agar koi hai find good counselors who can help you out who can listen to you and who can put you in the right path so that's the first place ke kuch bhi panic uh, ho ya because of corona ke time ke baad, koi setback ho jo bhi ho try to talk it out because उट को थाउजेंड सोलूशन दिखेंगे ये हो सकता है डोंट कीप इट इन योर हार्ट बिकॉज जितना जितने हार्ट हाँ में रखोगे एक दिन फटोगे और ऐसा फटोगे की सीधे एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाएगी फिर हाउ टू एंडल्टॉक बट दे आर इनवेलीडेटेड अगर वो जाके बात भी करते हैं तो कुछ नहीं है जाके ये कर ले वो कर ले इवन कई बार तो पेरेंट्स से ही इन वेलीडेशन मिलता है दोस्तों से कई बार मजाक मिल जा, बन जाता है तो लोगों में वो एक रेजिस्टेंस रहता है दे डोंट लाइक टू टॉक दे डोंट लाइक टू शो देअर वीकर साइट कि दे आर वेलरेबल एंड स्पेशली अगर आप बॉयज़ में देखें तो ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है गर्ल्स के कंपेरिजन में सो वट इज योर टेक ऑन दैट एंड यू कैन girls or boys, दैट्स

जो भी हो यू नो यू हैव टू फाइंड आउट पीपल होम यू कैन कन्फाइड इन ऐसे कुछ रिश्ते आपको बनाने ही चाहिए लाइक यू शुड नो के यू नो इट्स लाइक टेस्टिंग द वॉटर्स किसके सामने कितना ओपन अप होना है uh, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे दोस्त हो जो यू नो यू आर शेयरिंग थिंग्स एंड दे आर सिटिंग विद अ टब ऑफ पॉपकॉर्न एंड एन्जॉइंग इट तो वैसे भी आपको नहीं ओपन अप हो जाना है यू हैव टू फाइंड द राइट प्लेस टू शेयर थिंग्स एंड दिस इज़ वॉट आई हैव यूज एंड आई एम श्योर इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल की स्टिक टू यूटीन आई टू स्टिक टू यूटीन डे कि जहाँ आप सुबह आपके कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स भी होने चाहिए लाइक विजिटिंग अ टेम्पल और आप मेडिटेशन करो या साइलेंट प्रेयर ऐसे मैं नहीं बोलूँ कि आपका कोई बहुत आपको स्पिरिचुअल हिमालय पर चले जाना है पर डेली कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए विच कीप्स योर फेथ अ लाइफ फेथ इज इट्स नॉट रिलीजन फेथ इज ट्रस्टिंग दैट समिवाइन पावर इज यू नो गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर बिकॉज जब आप सिंह कर रहे हो ना तो एक फेथ की थ्रेड ही आपको ऊपर ला सकती है सो फाइंड अ रूटीन वेर यू गेट अप ऑन टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम डू सर्टन थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम और मीटिंग सर्टन पीपलटिव एंड जेन्य कीप अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल बिकॉज आप वनरेबल हो आप ऑलरेडी ऐसे जोन में हो कि जहाँ आपको छोटी छोटी बातें चुप जाती है तो उस टाइम पे कीप अवे फ्रॉम पीपल हु आर आर ब्रिंगिंग सैडनेस टू टू यू यू नेगेटिविटी जजिंग यू बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम वैन यू वॉन्ट बी जज्ड राइट सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ यू हैव टू सेव गार्ड योर सेल्फ नो बडी इज कमिंग टू सेव यू अनलेस यू डू सो प्रोटेक्टिंग योर माइंड इज योअर रिस्पांसिबिलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप राइट बाउंड्रीज सो मेनी पीपल थिंक दैट इफ आई सेट अप द बाउंड्रीज पीपल विल कंसिडर मी सेल्फिश

I can't accept things beyond this so it's right. self respect it's a sign of self respect and everybody um, you know, would love to communicate or would love to be around people who are self respecting true i know who i am see it's yeah, uh, life is not always same kabhi chadha utar sab cheez but aapko pata hona who i am abhi mera chalo abhi mera patang hawa mein nahi but I pata hai na kya hon. So oh, true. So know yourself. Ha, don't be arrogant or don't be rude in setting boundaries. But unless and until you have your set, uh, you know, space, anybody will walk in all over you. So don't let that happen. Yeah, so true. I think they should be able to differentiate between self-care and selfishness. They are totally different thing. I believe. कि अगर बरसात हो रही है और आप उसमें अगर रेनकोट पहन के बाहर जा रहे हो तो यू आर नॉट अगेंस्ट रेन यू आर जस्ट एक्चुअली प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड अगर आप वो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिगाओगे बीमार पड़ोगे परेशान हो जाओगे सो so, oh. आज मॉडर्न वर्ल्ड में देखें हम इतना फास्ट पेस्ट जिंदगी के अंदर हैं तो वॉट इज़ द रोल ऑफ लाइफ स्टाइल इन इन मेंटल हेल्थ हाउ डू यू सी दैट इवन इन वेट फिजिकल हेल्थ के भी खराब होने में या फिर मेंटल हेल्थ के भी खराब होने में जो फास्ट पेस्ट दुनिया में हम चल रहे हैं भागा दौड़ लगी हुई है इसका क्या रोल देखते हैं आप फी वी चूज अवर पेस नो बडी इज टेलिंग यू टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ लाइफ नो बडी इज फोर्सिंग यू टू एक्सेप्ट के मुझे ये ही लाइक आई वॉन्ट टू हैव दिस कार आई वॉन्ट हैव दिस हाउस आई वॉन्ट टू लिव इन दिस सिटी नो बडी इज फोर्सिंग यू यू चूज यूर लाइफ इसी प्रॉब्लम क्या होता है कि इट्स तो वेरी ईजी टू तो ब्लेम द एक्सटर्नल थिंग्स वीडो लोकन डीप विद इन के हमारे डिसीजन से यही सब चल रहा है बेसिकली अब जब देखने जाओ तो इट्स योर डिसीजन दैट इज कॉज योर वर्ल्ड इफ़ यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स एंड देन फाइटिंग विद दैम एवरी डे इट्स यू वू एज चोजन टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली या फिर विद योर कजिन्स या वो एवर इफ यू आर से यो आर स्टेइंग अलोन इन अटी एंड देन यू आर कंप्लेनिंग आई आई मिस माई पेरेंट्स आई हैव टू डू एवरीथिंग अलोन घर का काम भी मुझे करना है ऑफिस भी जाना है मुझे ये सब मैनेज करना है यू हैव चोजन दैट सो so, आप में जितनी क्षमता हो tolerance, threshold so तो टॉलरेंस थ्रेश आपका जितना हो वैसी लाइफ आप चूज कीजिए पहले तो सो आई एम नॉट अगेंस्ट इम्प्रूविंग सी एक्सेप्ट सेल्फ वेर यू आर एंड कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर द बेटर सो डोंट बिकम कम्प्लेसेंट दैट्स नॉट एक्जैक्टली ट्राइंग टू से बट इनिशियली जैसे आप अभी साइकिलिंग सीख रहे हो तो वो वो स्पेयर व्हील टायर्स जो होते हैं वो आप लगा के सीखते हो ना जिससे आप गिरो नहीं फिर धीरे धीरे जब आ जाती है साइकिल तो आप निकाल भी देते हो टायर्स एंड देन मे बी समाइम्स यू आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाथ भी खोल देते हो कि मैं तो ऐसे ही चला लूँगा तो लाइफ का भी ऐसा ही है पहले लर्न टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ माय स्ट्रेस लेवल थ्रेशोल्ड या मेरा क्या है थ्रेशोल्ड एंड देन ट्राई टू हैव एम्बिशन नो बडीज अगेंस्ट इट बट ऐसे एम्बिशन भी नहीं होने चाहिए जो आपको रात को सोने ना दें सो so, सोशल कंपेरिजन का कितना बड़ा रोल आ जाता है कि जैसे आपने कहा कि वी हैव अ चॉइस दैट वी कैन चूज़ अवर पेस बट एट द सेम टाइम वी ह्यूमन बींग्स आर वलरेबल वी आर अफेक्टेड बाई अवर एनवायरमेंट एंड मेनी टाइम्स दिस सोशल कंपेरिजन बिहेवियर इज़ देयर सो अगर मैं स्लो चल रहा हूँ तो मुझे आस पास लग रहा है कि यार ये लोग इतना तेज चल रहे हैं तो कहीं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो रहता है वो भी ट्रिगर होता है लोगों में सो हाउ टू डील विद डैट ये जो ट्रिगर्स है इन्वायरमेंट से जो सोशल कम्पेरिजन है उससे कैसे डील करें ताकि वो अपनी पेस खुद से चूज कर सके सी फोमो का एग्जैक्ट ऑपोजिट है योलो यू ओनली लिव वंस सर तो आपको यहां से चले ही जाना है आप जितना भी एक्सपेंसिव घर ले लो कपड़े <laughs> ले, <laughs> ले लो कुछ भी कर लो आपको जाना ही है ये फैक्ट है यस yes. तो इतना कंपैरिजन एंड अनफॉर्चूनेटली सी सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग बट सोशल मीडिया इज ऑल्सो कॉजिंग लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज आप ये सोचते हो कि इसको थाउजेंड लाइक्स आए मुझे नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन लाइक्स आए तो आई एम नॉट दैट पॉपुलर तो आप कॉन्स्टेंटली कंपेरिजन में लगे रहते हैं एंड उसी वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है उसी वजह से आपकी गोल अचीव करने की स्पीड भी अफेक्ट होती है कि पहले अपने हम कितने सारे मोन्यूमेंट्स देखते हैं ना इतने साल लग गए इसको बनाने में लोग प्राउड से बोलते हैं ना कितने सालों के बाद ये बना हमें चाहिए आज हम डिजाइन करें कल सुबह रेडी ना ऐसे नहीं होता यू नो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे सो यू एज विल ऑल्सो अचीव थिंग्स बट एट योर ओन प्लेस एट योर ओन टाइम यू शुड एन्जॉय द प्रोसेस तो भले ना आपका फ्रेंड आगे निकल रहा है लेट लर्न फ्रॉम देम की अच्छा उन्होंने क्या गलती की क्या कर रहे हैं एरोगेंस आ गई क्या हो गया क्या नहीं

जिस कंपार्टमेंट में आप फैमिली लाइफ अच्छी करना चाहते हो तो क्या आप रेडी हो कि आप करोगे फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगे हाँ, तो वो आपको करना पड़ता है, like, तो don't, don't हाँ, <laughs> एक बात कहते हैं ना कि कोई लोग इतने ज्यादा खुश नहीं है जितने वो सोशल मीडिया पे हाँ, हैं <laughs> कोई वरत्ता है क्या रोते हुए <laughs> शक्ल वाली फोटोज नहीं People are डालता पीपल आर नॉट प्रोजेक्टिंग देयर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया तो ये जो वर्दीनेस से लिंक कर देते हैं आजकल आप देखें कि लोग फॉलोअर्स लाइक्स अपनी वर्थ को उससे मेजर कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं और वो वर्दीनेस खोने लगते हैं जब जैसा आपने कहा कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ अगर मुझे वो लाइक्स नहीं मिलते तो ये थॉट प्रोसेस आता है तो आजकल हम कई ऐसी न्यूज़ भी देखते हैं कि लोग इवन कई बार सुसाइड कर लेते हैं और रील्स बनाने के चक्कर में या फिर थोड़ा सा ट्रोलिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे तो सुसाइड कर लेते हैं रिसेंटली एक बच्चे का केस आया था कि उसने कोई लड़का था कोई गर्ल के कपड़े पहन करके उसने कुछ वीडियो डाला तो उसे कुछ टीन में ही था तेरा मेरे ख्याल से तेरा चौदह साल का कुछ रहा होगा और उसको इतना ट्रोल किया कि ही कमिटेड सुसाइड उसका प्रॉब्लम द वॉट आई फील इज कि हमने सोशल मीडिया को रियालिटी मान लिया है और अपने रियालिटी से हम दूर चले गए हैं वी फाइंड द फॉलोअर्स द फैंस या कनेक्शन ऑन सोशल मीडिया एज अवर रियल एसेट एंड जो हमारे घर पे है जो बाजू में माँ बैठी है कजिन सिस्टर बैठी है फ्रेंड बैठा है उसके सामने अपने को नहीं देखना है वो सब अपने फोन में लगे पड़े सब ने अपनी और एक दुनिया बना बसा के रखे तो उस वजह से ना वी वी एक्सेप्ट दोज कमेंट्स बेटर देन वी एक्सेप्ट अवर रियल कमेंट्स अगर true. हमारे फ्रेंड यार दोस्त कुछ बोल रहे हैं तो वो नहीं सुनेंगे मैं तेरे साथ हूँ वो नहीं सुनाई देगा पर क्या सुनाई देगा तू सही नहीं है तू ठीक नहीं है तू गलत है ऑन सोशल मीडिया सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारी रियलिटी क्या है एंड सोशल मीडिया यूज सोशल मीडिया डोन्ट गेट यूज बाईट सी पहले क्या होता था कि नेगेटिव लोग हैं ही क्योंकि किसी की सैलरी हाइक नहीं हो रही है किसी की यू नो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है सब फ्रस्ट्रेटेड लगे पड़े हैं तो क्या करते हैं फिर फोन हाथ में आए एंड देन दे वुड टाइप हुर दे फील लाइक एंड वी हैव बिकम सो इनसेंसिटिव दैट वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी इंसान है उसके भी कोई फीलिंग्स है पड़ेगा अच्छा नहीं लगे छोड़ना जाने दें एंड दिस पीपल डोंट हैव द गट्स टू से एनीथिंग नेगेटिव ऑन योर फेस दे विल राइट इट बिकॉज इट्स फ्री अनोनमस

अगर ब्यूटी कि आप अनफॉलो कर सकते हो यस yes. आप किसी के पोस्ट को नहीं देख सकते हो तो फिर मेरे आ, मुझ मेरे घर पे आके तो मेरे को नेगेटिव क्यों बोल रहा है भाई चले जाना सो आई वुड इमीडिएटली ब्लॉक देम बिकॉज आई एंड आई आई एम नॉट समब यू वॉन्ट्स टू लिसन टू प्रेज इज एवरी डे वो नहीं है मेरा पर मुझे आके तुम नेगेटिव क्यों बोल रहे हो जिसका तुम्हें लेना देना नहीं है तुम मुझे जानते नहीं हो ना लाइफ में कभी मिले हो ना कभी मिलने वाले हो तो तुम्हारा क्या ही लेना देना है मुझसे सो आई वुड नॉट एक्सेप्ट द नेगेटिव नॉन बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि सपना इज देयर फेवरेट पर्सन टू टॉक नेगेटिव अबाउट दे आर डूइंग दिस टू एवरीबडी एंड एक आप ऑब्जर्व करना अगर कोई बंदा लिखेगा ना कुछ अच्छा मोटिवेटिंग पॉजिटिव कमेंट तो उसको और लोग लाइक नहीं करेंगे yes. दो तीन चार लाइक आके खत्म हो जाएगा पर अगर आपके फोटो के नीचे किसी ने कुछ नेगेटिव लिख दिया the... तो दैट फेलो विल गेट थाउजेंड लाइक्स पीपल लव स्प्रेडिंग नेगेटिविटी तो मैं उसके रूट कॉज को खत्म कर देती हूँ मेरे को चाहिए है नहीं ऐसे लोग आई वॉन्ट माई कम्युनिटी टू बी पॉजिटिव सपोर्टिव हैप्पी एंड इट डजेंट लाइक कोई नेगेटिव लिखता है तो आई ऑलवेज से भाई गॉड ब्लेस यू बी हैप्पी कुछ तेरे लाइफ में गड़बड़ चल रही है तभी जाके तू हर किसी के वॉल पे जाके ये चीज कर रहा है आपने अभी रिचुअल्स की बात की थी तो डू यू फॉलो एनी रिचुअल्स टू तो कीप योर मेंटल हेल्थ गुड व्हाट आर योर रिचुअल्स माय फेवरेट एंड रेगुलर रिचुअल इज टू टॉकिंग माय हार्ट आउट टू द पीपल आई लव ग्युलर थिंग उनको सुनना है नहीं सुनना है सुनना पड़ेगा है. फिर आई ऑल्सो चेक के भी सुना ना मेरा जो बोला क्या क्या मानते हो सो दैट्स माई फेवरेट रूटीन टू शेयर माई हार्ट आउट एंड आई यू नो आई ट्राई टू डू माई रेग्युलर वॉकिंग एनजेमिंग ऑन पर्टिकुलर टाइम के भी मैं थोड़ा रूटीन में रहूँ सो दिस आर माई

Where you are thoughtless, where you are just in the moment, enjoying the sound, enjoying the music. So, वैसा regularly I do, and obviously there is a process. जैसे आप meditate करो, वो I try to do, but that I don't do regularly. Which, okay. It's a totally uh, individual choice. कि आपको क्या basically do anything that brings you in the moment. See, have you ever seen a child stressed? कि Next moment में happy.

तो मैं अपनी रिसेंट टेड एक्स स्टॉक में जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ फिगर्स निकाले थे दैट मोर देन 56 मिलियन केसेस ऑफ डिप्रेशन रनिंग इंडिया में 36 मिलियन से ज़्यादा एंगजाइटी है इंडियन साइकैट्री सोसाइटी कहती है कि 20 परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ है पोस्ट कोरोना इन केस डिप्रेशन और सुसाइडल केसेस और इन सब के अंदर तो क्या मेजर आपको कॉजेस लग रहे हैं जिनकी वजह से ये इतना फास्ट डिटेरेशन आ रहा है द बिगेस्ट कॉज आई फील इज झगड़ा आपसे ठीक है फिर हम एक यू you नो know, खतरनाक से शायरी लिख देंगे सोशल मीडिया पे रेंडम okay. लोग पढ़ेंगे पर आप नहीं पढ़ोगे सो so, आपका जिससे कुछ यू you नो know, होता है थोड़ा बहुत अनबन यू टॉक टू देम के भाई मेरे को ये तीन चीजें

यू नो यू कैन स्टे ऑन ट्रैक यू कैन सेव योर मेंटल health फ्रॉम ड्राउनिंग also ओवर एम्बिशन एम्बिशन अच्छी बात है पर मुझे ये कर लेना है ये कर लेना है इतने टाइम लेना है यू कैन सेट योर टाइम लाइन यू कैन ग्रोम योर सेल्फ यू कैन इम्प्रूव योर एफर्ट्स बट यू कैन सेट अ टाइम लाइन कि मुझे इतने टाइम में इतना ही अचीव कर लेना है उससे ऐसी दो चीज़ें होती है एक तो शायद आप फेल हो जाओगे एंड देन यू विल गिव अप या फिर यू विल नॉट बी ओपन टू बेटर आइडियाज़ क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक भी करेगी ना फॉर सम गुड थिंग तो आप शायद उसको इग्नोर कर दोगे बिकॉज यू हैव सेट योर माइंड के नहीं मुझे तो इस डिरेक्शन में जाना है भले ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे डरेक्शन में आपको बुला रही है सो कीप योर माइंड ओपन टू दैट एंड दिस कंपेरिजन थिंग

यस yes, मुझे सुबह उठ के ये करना है दैट्स एम्बिशन देर इज स्ट्रेस ही सम यू स्ट्रेस यू नीड अदरवाइज तो आप कुछ काम ही नहीं करोगे लिटिल स्ट्रेस इज गुड जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस यू स्ट्रेस बोलते हैं बट वेन यू फील कि मुझे ये करना ही पड़ेगा रात को नींद नहीं आ रही है आपको यू नो यू यू फियर यू गेट एनजाइटी तो दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट कि यू आर देन गोइंग टूवर्ड्स ओवर एम्बिशन कि आप में स्किल सेट नहीं है आप में शायद अभी वो स्किल सेट नहीं है आपके पास शायद वो फाइनेंशियल uh, स्टेबिलिटी अभी नहीं है एंड यू आर स्ट्राइविंग फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो फिर वो आपको कॉज करेगा प्रॉब्लम्स सो जस्ट ड्रॉ लिटिल लाइन दैट यू नो एम आई एन्जॉइंग एम आई अर्निंग इनफ एंड देन स्लोली ग्रेजुअली यू विल प्रोग्रेस बिकॉज जो एफर्ट्स करता है जो सही डिरेक्शन में जा रहा है ही विल टेस्ट सक्सेस वो तो डेफिनेट बात है सब्सटेंस यूज का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आप देखते हो बिकॉज uh, बहुत सारे नेगेटिव मार्केट में चलते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरवाना है अब कई लोग इसे एज एन एंटी डिप्रेसेंट देखते हैं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे मैं हाई हो जाऊंगा और मेरे दुख भूल जाएंगे कई लोग एल्कोहल का सहारा लेते हैं कई लोग कई प्रकार की ड्रग्स मार्केट में चलती हैं

यू नो ओवर या तो फिर देर इज़ अ विद्रॉल कोई भी ऐसे अडिक्टिव चीज़ होती है उसका विदड्रॉल होता है यू गेट दिस विद्रोवल सिम्टम जहाँ वो आपको और से एड कर देता है लाइक आई हैव नॉट ट्राइड स्मोकिंग मैं एकदम से आपको जवाब दे दूँ कि क्या क्या विदड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बट आई हैव सीन माई क्लाइंट्स के उनको थोड़ा वेट लॉस में भी दिक्कतें आती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस फॉर समाइम बट दैट इवेंचुअली यू नो इट टेपर्स ऑफ सो so, आपको उस टाइम पे थोड़ा यू नो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट आपको थोड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी सो लेट्स नॉट डू इट सो कोई भी सब्सटेंस आपको नहीं ऐसे यूज करना चाहिए जो आपके अल्कोहल हो गया स्मोकिंग हो गया ड्रग्स वट एवर यू आर प्लानिंग कि वो आपको यू you नो know, थोड़ा अच्छा फील करेगा पर वो कुछ अच्छा फील नहीं करवाता है डेफिनेटली नहीं करवाता एंड यू कॉन्ट सक्सीड विथ इट टेम्पररी एसिड गिव्स यू हाई इट मेक्स यू लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड बट वो नशा जीने में आना चाहिए वो नशा सब्सटेंस के बाद नहीं आना चाहिए यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड तभी आप इस धरती पे हो राइट बट किंग ऑफ द वर्ल्ड यानी आप अपनी लाइफ में खुश हो आपको जो अचीव करना था वो आपने करा अभी तक दैट इज बिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड आप किसी को यू you नो know, परेशान नहीं कर रहे हो आप किसी के हक का नहीं ले रहे हो आप अपने का बना के खा रहे हो तो दैट इज बिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड साइकेडेलिक्स पे लोग बात करते हैं जैसे कि अगर आपका कुछ यूज़ में हो तो लोग स्पेशली आया होस का हो गया या मैजिक मशरूम्स हो गए तो लोग साइकेडेलिक्स पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसिस की बात करते हैं

स्पिरिचुअल जर्नी mm -hmm. पे जाना पड़ता है जहाँ पहले आप खुद को ढूंढे एज इन की यू नो वॉट कीप्स मी हैप्पी वॉट कीप्स मी गोइंग यू ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड यू वो सारे आप यू नो अननेसेसरी रोड पे हॉन्क ना करो ना वो भी स्पिरिचुअल थिंग ही है <laughs> आप किसी को परेशान ना करो दैट्स योर फर्स्ट स्टेप इन बींग स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होने के लिए कोई एक्स्ट्रॉडिनरी चीज करने की जरूरत नहीं है मैं आज किसी को किसी के रास्ते की अड़चन नहीं बनूंगा

सो so, उस दौरान आपने कंसिस्टेंट रहने के लिए डू यू हैव एनी फ्रेमवर्क दैट पीपल कैन फॉलो टू बी कंसिस्टेंट बिकॉज अभी इकतीस दिसंबर गई है हाँ। और लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशन रखे थे सब जिम में भीड़ कम हो हाँ। चुकी है पार्क में <laughs> भीड़ कम हो चुकी है तो क्यों ये रेजोल्यूशन लोग इतनी जल्दी तोड़ देते हैं और कंसिस्टेंट रहने का जो फ्रेमवर्क है वो क्या हो सकता है सबसे बड़ी चीज कि कंसिस्टेंट रहने के लिए ना आपको कई कई ऐसे वो एवरी uh, डे आप नहीं करोगे कंसिस्टेंस डजन मीन कि आपने बस आज किया तो आप हंड्रेड डेज तक वो करोगे कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जब आपको बुखार है आपने नहीं करा आपने कई वेडिंग में जाना था आपने उस दिन वर्कआउट मान लो नहीं किया पर नेक्स्ट डे आपने किया तो वैसे ओवरऑल जब पिक्चर देखा जाए ना तो आप कंसिस्टेंट थे प्रॉब्लम क्या होती है लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि देख आज संडे आज तो मतलब ही नहीं है जाने का बिकॉज संडे इज तो ऑफिशियल डे टू ईट आउट एंड एन्जॉय तो आज तो मैं वर्कआउट भी नहीं करूँगा बिकॉज वर्कआउट करके क्या ही फ़ायदा रात को तो खाना ही है बाहर सो so, फिर मैं मंडे से शुरू करता हूँ फिर मंडे ट्यूजडे वॉकिंग क्या एक्सरसाइज क्या अच्छा खाया फिर वेंसडे कहीं जाना बिकॉज सी वी वर्क वी हैव अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि देर इज ऐसे थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऐसे निकले कि आप एक ही रूटीन एक ही टाइम पे फॉलो कर पाओ वो तो कभी किसी का नहीं हो सकता सो so, आपने फिर एडजस्ट करना पड़ता है कि अगर आप शाम में एक्सरसाइज नहीं करने जा सकते हो मॉर्निंग में जाओ या फिर उस दिन नहीं भी गए तो आपने नेक्स्ट डे किया सो दैट्स हाउ यू स्टे कंसिस्टेंट दैट यू कूडेंट डू इट फॉर वन डे ओके मूव ऑन बट हमारा हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है आज मैं शादी में गया कल मैं थक गया फिर मुझे मूड नहीं है अब तीन दिन नहीं गया कल तो संडे ही है चलो वनडे से जाऊँगा फिर तो इसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है सो यू हैव टू बी लॉयल टू योर सेल्फ लॉयल टू योर वर्ड्स योर बॉडी aaj main nahi jata hu

बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन सो मोटिवेशन जब बैक सीट ले लेता है ना तब डिसिप्लिन ही काम में आता है तो आपने जैसे नहीं आप जो भी काम कर रहे हो आप कॉलेज स्टूडेंट हो आप नहीं जॉब कर रहे हो तो आप जाते हो ना कॉलेज एक टाइम पे ऑफिस एक टाइम पे वैसे ही आपने अगर मान लो कि एक सेट किया है रूटीन के मुझे शाम में वॉक करने जाना है तो मैं सेवन पी एम वॉक कर जाऊँगा यानी देट्स योर कमिटमेंट

तो वट इज द रोल ऑफ डायट वट काइंड ऑफ अ डायट वन शुड इनकॉर्पोरेट सी डायट और मेंटल हेल्थ का क्या सीन है बता है कि जब कई बार आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो फिर आपको कुछ बस समझ होते हुए भी आप सही नहीं खाओगे एंड दैट्स फाइन चलो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए बट वंस यू यू नो देन बट ट्राई टू ईट राइट बिकॉज दैट वे वंस यू आर यू नो ईटिंग ऑन टाइम ईटिंग द राइट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन

तो क्या कुछ कर सकते हैं कोई है क्या बता सको उस मोमेंट पर सी क्रेविंग यूजली क्यों होती है बिकॉज मोस्ट पीपल यू नो नाउ आर वर्किंग एंड जगलिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ तो बाहर खाना ज्यादा हो गया एंड वेन यू स्टार्ट ईटिंग आउट अलॉट दर इज मोर सॉल्ट इन टेक दर इज मोर शुगर इनटेक आर वेरी एडिक्टिव अडिक्टिवो योर जंक फूड दे आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट यू विल क्रेव मोर यू विल फील कि आज मैंने जंक खाया कल भी मुझे खाना है सो इट इज वेरी एडिक्टिव हमें यह लगता है ना कि स्मोकिंग एल्कोहल ये सारी चीजें एडिक्टिव है बट फूड कैन वी ऑल्सो एन एडिक्शन सो पहले तो आपको ये समझना है कि एम आई क्रेविंग आउट ऑफ हैबिट या एम आई जेन्यूनली न्यूट्रिशनली स्टार्ट तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस बेसिक डिफरेंस यू कैन फील लाइक ईटिंग एन आइसक्रीम बिकॉज इट्स अ हैबिट राइट यू माइट नॉट बी हंग्री एट ऑल सो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है दैट यू हैव टू डिज़ाइन योर फूड इन टेकिन सच कि आप कभी भूखे नहीं रह रहे हो आप सुबह से लेके रात तक छोटे छोटे मील्स यू you नो know, स्नैक्स ऐसे प्लान करो कि आपको हर चीज़ मिल रही है आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो जिससे थोड़ा शुग, शुगर लेवल आपको मिल रह, शुगर मिल रहा है आपको फिर आप यू uh, नो you know, फ्रूट खा रहे हो इन बिटवीन कभी आपने अच्छे से प्रोटीन अपना लिया सो इन अ वे यू आर ईटिंग थ्रू आउट द डे एंड गेटिंग न्यूट्रिशन सो आपको क्रेविंग नहीं आएगी सो यू दिन यूर टू अंडरस्टैंड इज इट इमोशनल हंगर और इज इट जेन्यूनली योर क्रेविंग फॉर न्यूट्रिशनल फूड देन यूल इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे बुक है या मुझे सिर्फ टाइम पास करना है कैसे व्यक्ति आइडेंटिफाई कर सके कई बार इंसान बोर होता है तो उसको एक कुछ खा लेता हूँ हाँ। तो वो तो एक कई बार इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है बाकी केसेस में वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि को कर uh, है कोई इमोशनल स्टेट है कुछ डिफ्रेंसियन का तरीका हो सकता है सी अगर आपको एक पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग हो रही है अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रही है अगर आपको स्वीट्स खाने का मन कर रहा है तो आउट ऑफ हैबिट Like, आप, आपको भी पता है ना कि वॉक करने जाता हूँ हाँ, तो लोग क्या सोचते कि मैं अपने फूड में ना ये कट कर देता हूँ मैं राइस नहीं खाऊंगा मैं ये नहीं खाऊंगा फिर वो बदला लेता है खुद जंक खाते <laughs> हैं <laughs> तो बेटर ये ईट अ लिटिल राइस को घर का बना खाना ना उसमें कोई आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाला इवन इफ यू ईट अ लिटिल मोर राइट राइट पर हाँ. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम घर पे भी अब जंक ला चुके हैं हम घर के खाने में भी अनहेल्दी चीजें मिला के खाते हैं खुश होने के लिए हम केचप डाल दिया ये डाल दिया तो यू हैव टू हैव हेल्दी होम मेड होम कुक्ड मील्स प्योरली होम मेड मील्स ये अच्छा कहा आपने हम घर के खाने में भी दूसरी चीजें अभी परसों ही फूड फार्मर करके आए हैं बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे जो जिन्होंने वो बोनविटा वाला केस बनाया था कि हमेशा पैकेजिंग देख के करें तो ही गोट ग्रेट रिस्पॉन्स एंड वेरी वायरल ऑन सोशल मीडिया तो ही वॉज़ टेलिंग मी एंड आई गोट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो ये पैकेज फूड का कंसेप्ट है ये वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर्स uh, को खाना पहुंचाने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ था और आज की डेट में हम घर में रह रहे हैं कहीं किसी स्थिति में नहीं है लेकिन फिर भी पैकेज फूड और ये सब हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर चुके हैं शुगर कट की बात बहुत चलती है ठीक है मैं बार बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहते हैं कि शुगर हमको कंप्लीटली कट कर देनी चाहिए ये किस हद तक वैलिड है बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल रिकमेंड दैट कि आपको पूरा कंप्लीट कट कर देना चाहिए। मगर कुछ लोग इसको लेके स्केप्टिक भी होते हैं तो वो टेक ऑन दैट हाउ टू डू। दैट जितना that? हम नेचुरल शुगर लेते हैं फ्रूट्स में से या लेक्टोज यानी दूध में से तो वो नेचुरल शुगर अकेला शुगर नहीं होता उसके साथ देर आर अदर आल्सो लाइक गेट फाइबर इन तो वो इट कम्स विद अदर थिंग ऑल्सो तो वो शुगर एब्जॉर्ब करने में नेचुरली भी हेल्प करता है प्रॉब्लम right. क्या है जब हम चाय में ज्यादा शक्कर डाल देते हैं आइसक्रीम्स खाते हैं प्रॉब्लम एंड इट इज शुगर इज फील गुड टेम्पररी डिप में आपको फील होता है negative. सो शुगर प्योरली कट तो नहीं कर सकते बिकॉज अवर ब्रेन फंक्शंस विद यू नो द शुगर की एनर्जी से यानी नेचुरल शुगर की एनर्जी से यू फील लिटिल एनर्जेटिक यू फील हैप्पी एंड आवर बॉडी रिक्वेस्ट सी शुगर को हमने एनीमे बना दिया है वाई बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस शुगर दैट इज़ इन एवरी फूड दैट यू ईट आउट सो बेसिकली कट उसको करना है Process आप जो शुगर घर पे करना खाते है, हो मिल्क natural... खा, लेते हो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हो फ्रूट्स uh, खाते हो तो उसको थोड़ा हाँ लिमिट करना है ये नहीं कि फ्रूट्स आर हेल्दी तो आप बस उस पे ही हो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड अति सर्वत्र वर्जीत इंटरमीडियट फास्टिंग आपका क्या टेक है एंड इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट And those who want to do weight loss specifically. Intermittent fasting is just a modern day term. aap jains ko jante hain they do 12 hours where after sunset they will stop eating and next day then they will eat. to ye to hamare indian लोग फॉलो कर ही रहे थे पहले से। हम तो जानते ही हैं जो ऑपी प्लेन में बैठ के इंटरमिटेंट फास्टिंग इंडिया है। So uh, the right way to do intermittent fasting is that you can eat in eight hours window and mm. then 16 hours. यू विल फास्ट सो ये यूजअल एट इज टू सिक्सटीन वाला इंटरमीडियंट फास्टिंग यूजअली लोग फॉलो करते दिन दे आर स्ट्रिक्ट वर्जन ऑल्सो बट इवन इफ यू आर फास्टिंग फॉर्स ट्वेल्व आवर्स इज गुड फॉर यू बिकॉज एक तो यू नो एंड ऑल्सो वैल यू आर डूइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग यू हैव टू ईट हेल्दी ऐसा नहीं है कि इंटरमीडियट फास्टिंग है तो फिर यू ईट द पिज्जा एंड देन यू इवनिंग में आपने कुछ और चंग खा लिया वैसे नहीं होता यू आर ईटिंग इन दिस एट आवर्स विंडो यू आर ईटिंग हेल्दी फूड बट एक राइट तरीके से करें हाँ, तो इट कैन बी इट विल्प यू एंड ऐसा नहीं है आपको एवरी डे करना है अगर आप वीकेंड्स पे कर लो वंस और इट हैज इट ओन बेनिफिट्स आपने रिसेंटली एक शो शुरू किया बातों बातों में वॉट इंस्पायर यू टू स्टार्ट दैट पॉडकास्ट सो बातों बातों में विद सपना व्यास इज माय टॉक शो व्हिच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल का नाम क्या रहेगा हाँ, आपके नाम से यस yes, माय चैनल इज youtube.com/kotsapna kotsapna ओके यस इट्स माय यूट्यूब चैनल जहां पे ये शो आता है एंड इट्स अ बॉलीवुड टॉक शो सो आई हैव सोफार हमने अनु मालिक जी से बात की है बमन ईरानी सर से बात की है देर बीन सो मेनी इंटरेस्टिंग गेस्ट दैट हैव कम ऑन द शो एंड वॉट मेड मी डू द शो इज एज यू कैन सी एम वेरी टॉकेटिव सो आई फील दैट लेट्स फोट दिस टू गुड यूज एंड देन

Four episodes are already out, and I think by the time this episode will be out, we'll have more uh, already on um, the channel. So, ji, before we move to the rapid fire, any last three lessons from your life they, that you want to give to our audience? It's okay to be vulnerable. You will fail. If you are trying to reach any goals, you will fail. It's a part of success, so accept it that way. Don't consider it as a, it as a full stop, it's more like a comma. So, move on. And the third would be that the beautiful part, the beautiful blessing that God has given you is being you. So don't try to change, don't have this comparison. as in we improve yourself that, I mean, don't get me wrong, you have to improve yourself. There's beauty in excelling, right uh, Like you have to become better tomorrow. But ajo usme Mazelo.

यू कैन बी माइंड फोर ट्वेंटी फोर बाई सेवन ये गलत फहमी है रोजमर्रा के कामों में परपज कैसे ढूंढते हैं आप जो बर्डन ना लगे वही पर्पज है बेसिकली आपके गोल्स को अचीव करने में आपको फील होता है ना कि मुझे ये अचीव करना है एंड वेन यू आर टेकिंग द राइट स्टेप्स दैटिकली आर परपजिंग द राइट इज द बिगेस्ट पर्पज आई बिलीव क्या कोई इंसान फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन फिर भी मेंटली अनहेल्दी हो सकता है हो सकता है इन केस व्हेन दे आर गोइंग थ्रू से अ सेटबैक तो फिजिकली शायद उस वो इंसान लगे कि भाई इस हेल्दी फिट पर टेंपरेररली ही कैन बी ऑफ ट्रैक बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इमोशंस मे बी रिलेशनशिप और लॉस ऑफ कोई भी कोई भी सेटबैक उनके लाइफ में चल रहा है पर अगर आप बोले कि अह मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है और कोई इंसान फिट हो सकता है तो दैट्स नॉट पॉसिबल फेलियर को लेसन में कैसे बदलते हैं आप जो गिरता है वही सबसे ज्यादा सीखता है तो वही आपका लेसन हो सकता है कि आप गिरो हाँ इफ यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर फेलिंग बट डोंट फॉरगेट द लेसन आपकी सफलता में योगदान देने वाले सबसे इंपॉर्टेंट आदितीय बिहेवियर कांसेप्ट एक्सेप्टिंग दैट I have my emotional ups and downs, accepting that uh, I will go wrong on days when I'm not in the zone. I will not eat right, I will not exercise. But that's part of being human. And then next day, I So accepting that. life is a challenging belief that you karna reconsider. No, I am always open to people's eyes, like whom I trust. Like अगर अच्छा, ये बोला है तो कुछ होगा डाइवर्स ओपिनियन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई ऐसा मिथ जो आप दूर करना चाहेंगे देर आर बेड डेज इन एवरी बॉडी यानी इट्स नॉट वीकनेस अगर आप कभी यू नो यूर ऑफ ट्रैक यू आर सैड यू हैव योर डेज वेन यू फील एनजाइटी एनशियस यू हैव सॉर्ट ऑफ अ पैनिक अटैक तो आप वीक नहीं हो एंड इट्स ओके इट हैपन्स टू एवरी बॉडी इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट से प्रॉब्लम ये है कि पीपल हम हमें बुखार होता है तो हम बोल देते कि टुडे आई एम नॉट वेल आई हैव फीवर बट आपने किसी को सुना है कि आई एम फीलिंग एनशियस टुडे सो आई एम नॉट विलिंग टू वर्क तो वो लोग बोलते नहीं है बाकी हर कोई सेम बोट में है नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलने का पहला कदम क्या है चेंज द प्लेस वेर यू आर लाइक अगर आप uh, कार में हो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रही है तो वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन जस्ट मीट योर फ्रेंड्स या घर पे जस्ट चेंज द प्लेस उससे पहले तो वो टॉक खत्म हो जाती है एंड बी इन द मोमेंट नेगेटिव सेल्फ टॉक कब होती है या फॉर दैट मैटर आप कब सोच में डूब जाते हो जब आप इन द मोमेंट नहीं हो या yeah, या तो पास्ट में या फ्यूचर में हाँ, आप कहीं और ही हो तो कम बैक ब्रिंग योरसेल्फ टू प्रेजेंट रोज की सिंपल सेल्फ लव एक्टिविटी क्या हो सकती है फॉरगिविंग योरसेल्फ उन लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस होगा जो अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं क्यों नहीं करना है अपने फ्लॉज़ होते हैं हां एक्सेप्ट करो पर इम्प्रूव भी करो ये नहीं कि हाँ मेरा नेचर तो ऐसे है शॉर्ट ये सो इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट इट यू नो योर शॉर्ट टेम्पर्ड तो वर्क ऑन इट तो नो योर फ्लॉज एंड देन पॉलिश देम इम्प्रूव गेट आउट ऑफ देम दैट्स इंपॉर्टेंटिक लाइफ में शांति ढूंढने के लिए आपका क्या एडवाइस है फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज योर क्यूर्स डोंट चूज दैट्स अ फर्स्ट स्टेप एंड देन इतना ही लाइक यू विल ओनली टेक सो मच फूड इन योर प्लेट ना जितना आप खाने वाले हो तो उतना ही एक्सेप्ट करो या उतने ही बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो जितना आप डाइजेस्ट कर सको पर्सनल लाइफ और करियर में बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं नो बडी कैन एक्चुअली बैलेंस एनी थिंग अगर आपको कुछ एक चीज करनी है तो टेम्परि दूसरी चीज थोड़ी आउट ऑफ साइट होती ही है तो आपको चूज करना है कि आपको कितना किस कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ में देना है सो यू कांट रियली बैलेंस और अगर कोई बोलता है कि आई कैन बैलेंस माई वर्क लाइफ तो दैट फेलो इज कम्प्लीटली लाइंग एक ऐसी आपकी वीकनेस जो बाहर के लोग नहीं जानते तो जानना भी क्यों है <laughs> 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 जान के क्या ही कर लेंगे <laughs>